हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर और बिल्कुल गांव वाले स्टाइल से, तो उसी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैंने बिल्कुल गांव वाले तरीके से ही पालक पनीर बनाया है। तो भाई मेहनत तो बहुत लगी है लेकिन खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हांडी में बनाने का जो ये पालक का या फिर साग का जो तरीका होता है, ये गांव का पारंपरिक तरीका है और इसमें बहुत ही सारे न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। बट अब तो सभी के घरों में कुकर आ गए हैं, तो कुकर में ही बनता। गांव में भी ज़्यादातर अभी कुकर यूज होने लगे हैं। इसमें इस तरीके से मेहनत तो बहुत लगती थी लेकिन खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी होता था। तो आजकल तो जितनी ज़्यादा सुविधाएँ हो गई हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर में बीमारियाँ आ गई हैं। तो भाई मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का जो तरीका है ये सबसे बेस्ट होता है। तो आज मैंने भी पालक पनीर बनाया है मिट्टी वाली इस हांडी में और लकड़ी के घोटने से इसको घोटा है। ना ही कोई मैंने हैंड ग्राइंडर यूज किया है, ना ही मिक्सी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से ये बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ये हांडी में चढ़ा दिया है पानी। आधा हांडी मैंने पानी लिया है यहाँ पर और गैस पर रख दिया है। और जब तक मेरे पानी में उबाल आता है तब तक मैं पालक को अच्छे से धो लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से काट कर धोकर साफ कर लिया है। पालक को अच्छे से धो लेना क्योंकि पालक में मिट्टी या रेत बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए पानी में उबाल आ गया है तो इसमें डाल देना है, खोलते हुए पानी में हमें पालक डाल देना है। ये मैंने डाल दिया है पालक। देखिए यहाँ पर मैं कोई भी टेढ़ा तरीका आपको पालक पनीर बनाने का नहीं बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल और सीधे तरीके से पालक पनीर बना रही हूँ यहाँ पर मैं, तो उसी का तरीका मैं आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारा पालक डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं अपने पालक की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, आप अपने पालक की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। अब मीडियम गैस पर इसको 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। अब देखिए अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, तो अब कर देंगे गैस को मीडियम। तो चलिए जब तक हमारा पालक पक रहा है तब तक हम पालक पनीर को फ्राई करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, अदरक ले लिया है और दो ले लिए प्याज। तो लहसुन को मैंने छील लिया है, प्याज को भी छील कर इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर मेरी प्याज कट गई है। अब ये देखिए, अब लहसुन की 4 से 5 कलियों को इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे तड़का लगाने के लिए। देखिए पालक पनीर में लहसुन के बिना टेस्ट नहीं आता है, लहसुन का फ्लेवर उसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जितना लहसुन डालेंगे उसका स्वाद उतना ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो साबुत लहसुन और अदरक है इसको मैं सिलबट्टे पर पीस कर इसका तैयार कर लूँगी पेस्ट। तो यहाँ पर मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब इसको निकालूंगी मैं एक कटोरी में। तो ये देखिए पालक भी हमारा पक गया है और मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल दिया है। तो अब एक लकड़ी का ले लिया है मैंने घोटना। भाई हमारे यहाँ पर तो घोटना ही बोलते हैं, बाकी आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो अब लकड़ी के घोटने की हेल्प से मैं पालक को इस तरीके से घोट लूंगी। एक हाथ से पकड़ लिया मैंने टाइट करके हांडी और एक हाथ से इस तरीके से घोटूँ। देखिए घोटने में मेहनत तो बहुत लगती है बट इसका टेस्ट अलग आता है, आप कभी बनाकर देखिएगा। तो भाई आज बहुत अच्छा लग रहा है गांव वाले तरीके से खाना बनाना। इस तरीके से बहुत ही दिनों में खाना बना रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है और मेहनत करनी भी अच्छी लगती है कभी कभी। तो भाई आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये वाली रेसिपी एक बार। अब देखिए मेरी मेहनत रंग ला रही है, ये बारीक हो गया है काफ़ी मेहनत के बाद।
ये देखिए हो गया हमारा पालक तैयार फाइनली। अब इसे हम हल्का सा पानी डालकर धो देंगे इसी में। ये लीजिए तो भाई पालक तो तैयार हो गया है पीसकर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अपने पनीर को काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर को चौकोर पीस में इस तरीके से काट लिया है, ये देखिए। तो अब मैं पनीर को कर लूँगी थोड़ा सा फ्राई। यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया मैंने देसी घी, तो इसमें हल्की सी कोटिंग के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फ्राई करके डाल रही हूँ। अगर कच्चा डालते हैं तो थोड़ा सा वो पनीर हल्का सा घुटासा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब जब हम हल्की सी कोटिंग करके डालेंगे तो पनीर के पीस हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब इस तरीके से दोनों तरफ से पलटते हुए हम हल्का सा गोल्डन इन्हें सेक लेंगे। ये देखिए ये गोल्डन कोटिंग इन पर आ गई है, तो इन्हें हम निकालेंगे एक प्लेट में और फ्राई पैन को रख देंगे साइड में। तो अब भाई अब मैंने हांडी ले ली है और देसी घी डाल रही हूँ यहाँ पर मैं फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो बटर का यूज भी कर सकते हैं और चाहे तो सरसों का तेल भी। मैंने ये डाल दिया है एक चमचा देसी घी। देसी घी को गर्म होने के बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। जीरे को चटकने के बाद डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस तरीके से चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे और फिर डाल देंगे इसमें प्याज। अब इसमें डाल देंगे हम अपनी कटी हुई प्याज। प्याज को डालने के बाद चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन हो गई है, अच्छे से भून गई है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो भाई आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लो भाई अब डाल देंगे थोड़ी सी इसमें हींग। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, मसालों को भून लेंगे और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी दही। क्रीमी फ्लेवर के लिए थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें मैं दही। ये देखिए लगभग 1 से 1.5 चम्मच दही है। दही को डालने के बाद बराबर चलाते रहेंगे। दही डालने के बाद बंद नहीं करना है हाथ को, क्योंकि दही फट जाएगी। ये देखिए ये दही में भी उबाल आ गया है। तो अब डाल देंगे इसमें हम अपना पिसा हुआ पालक। ये पालक मैंने डाल दिया है, अब अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और यहां पर डाल दिया मैंने 1 से 1.5 चम्मच लगभग मलाई। यहां पर मैंने ताजे दूध की मलाई ली है, आप चाहे तो क्रीम भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब इसमें डाल देंगे सबसे लास्ट में पनीर।
देखिए अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें डाल देती हूँ मैं पनीर। ये देखिए अब गैस को बंद कर देंगे। देखिए गैस बंद होने के बाद भी इसमें उबाल बराबर आए जा रहा है। क्यों? क्योंकि हांडी की थली बहुत ही मोटी होती है तो काफ़ी टाइम तक गर्म रहती है। सर्दियों में हांडी में साग बनाने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि उसमें जब आप बनाकर रख देंगे कम से कम लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये गर्म रहता है। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा देसी घी, जो जिसमें पनीर फ्राई किया था वही देसी घी है, उसमें डाल दिया मैंने तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च और छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है मैंने इसमें दालचीनी का। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक लहसुन कट किया था वो लहसुन। तो यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है। अब इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। कभी आप पालक पनीर या साग बनाइएगा तो ऊपर से लाल मिर्च का तड़का उसमें लगाकर खाकर देखिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर गोल्डन हो गया है देखिए लहसुन मेरा। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च और अब गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को डाल देंगे पालक पनीर में। तो ये मेरा पालक पनीर बाउल में है, यहाँ पर डाल दिया मैंने इसमें तड़का। तो भाई फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारा पालक पनीर तैयार हो गया है। अब इसमें ऊपर से डाल दूंगी मैं थोड़ा सा पनीर मैश करके। ये देखिए तो भाई मैंने डिनर के लिए आज पालक पनीर बनाया। अब ये मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, अब मैं सर्व करती हूँ गर्मा गर्म। तो आप सभी को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।